नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज़। मैं हूं विमल। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। अध्यापकों की आज प्रस्तावित हड़ताल से हिली शिवराज सरकार। भोपाल में धारा 144 लागू, अध्यापकों की मॉनिटरिंग के निर्देश। 13 सितंबर यानी कि आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आंदोलन का संकेत किया है। इससे मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है और आंदोलन को रोकने के लिए भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। अध्यापकों के मूवमेंट की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 13 सितंबर से शुरू हो रहा है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने इसी दिन भोपाल में शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने इस शक्ति प्रदर्शन में करीब 1,00,000 अध्यापकों के पहुंचने का अनुमान जताया है। इस प्रस्तावित हड़ताल से प्रदेश सरकार हिल गई है और ताबड़तोड़ में भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, सभी संभागों में एक एक अधिकारी की तैनाती भी की गई है, जिन्हें बिना अनुमति विद्यालयों में अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों की मॉनिटरिंग और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल ने लंबित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते 13 सितंबर को भोपाल में अध्यापकों का शक्ति प्रदर्शन प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि अध्यापकों की इस हड़ताल को विपक्ष का समर्थन भी मिल सकता है और अन्य संगठन भी भोपाल में प्रदर्शन और रैली इत्यादि कर सकते हैं। इस आशंका के चलते सरकार हरकत में आ गई है। भोपाल में जहां तत्काल प्रभाव से धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है, वहीं पुलिस कमिश्नर मरकंद देसकुर ने भोपाल में ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के इस तरह अचानक हरकत में आने को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार डर गई है, इसलिए इस तरह ताबड़तोड़ में आदेश पर आदेश निकाले जा रहे हैं। चूंकि 13 सितंबर को भोपाल में विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो। संघ का मानना है कि सरकार को यदि इतनी ही चिंता है तो उनकी लंबित मांगों के संबंध में आदेश जारी करने चाहिए। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर 24 न्यूज। नमस्कार।